तो आज का ये बैटल कंपैरिजन दो हल्क्स के बीच होने जा रहा है जो कि है ग्रीन हल्क और रेड हल्क। रेड हल्क भी ग्रीन हल्क जितना ही बड़ा और पावरफुल है, लेकिन क्या ये रेड हल्क हमारे प्यारे ग्रीन हल्क को हराने का दम रखता है या फिर नहीं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हैं और इन दोनों की पावर्स को एक दूसरे से कंपेयर करके इनके बैटल के विनर का पता लगाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप लोग हल्क के बड़े वाले फैन हैं तो हमने हल्क की अब तक की सबसे पॉपुलर कॉमिक सीरीज जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर हल्क, उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अब इसके आगे हम हल्क की एक और पॉपुलर सीरीज जिसका नाम इमोर्टल हल्क है उसके ऊपर भी वीडियो लाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको इमोर्टल हल्क सीरीज पे वीडियो चाहिए तो इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हल्क और रेड हल्क की ओरिजिन और पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं ताकि हम इन दोनों के बैटल को क्लियरली समझ सकें। शुरुआत करते हैं हमारे ब्रूस बैनर वाले हल्क यानी कि ग्रीन हल्क से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ ग्रीन हल्क। तो ग्रीन हल्क यानी कि डॉक्टर ब्रूस बैनर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स और गामा रेडिएशन पर स्टडी करता है। और ऐसे ही एक बार जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा होता है तब उसमें वीटा रेस को यूज करने की बजाय वो गामा रेस को यूज कर लेता है, जिसके बाद ब्रूस बैनर उस गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है और फिर वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे नाम दिया जाता है हल्क। ग्रीन हल्क या यूं कहे हल्क ब्रूस बैनर के अंदर रहने वाली एक अलग पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जब भी ब्रूस बैनर के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तब ये बाहर आती है और ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसीलिए ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में तो बहुत कमजोर है, लेकिन एक बार हल्क बनने के बाद उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती। ग्रीन हल्क की पावर्स की बात की जाए तो ग्रीन हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं अनलिमिटेड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड और स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। ग्रीन हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो अपने स्ट्रेंथ के दम पर कई हजारों लाखों टन जितना वेट भी बड़े आराम से उठा सकता है। ग्रीन हल्क के आगे चाहे कुछ भी आ जाए वो उस चीज को अपने एक ही पंच से तोड़ सकता है। सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के दौरान जब एक बड़ा सा माउंटेन सभी सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है तब ग्रीन हल्क उस पूरे माउंटेन को अपने हाथों से ही लिफ्ट कर लेता है। और उस माउंटेन के वेट की बात करें तो उस माउंटेन का वेट लगभग 150 बिलियन टन होता है। ग्रीन हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को बड़े आराम से झेल सकता है। उस पर बुलेट्स, बॉम्ब्स या फिर मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। इसके अलावा ग्रीन हल्क को ना तो रेडिएशन से कुछ होता है और ना ही ग्रीन हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनसे ग्रीन हल्क को डैमेज किया जा सकता है। और ग्रीन हल्क इतना ज्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसे नुकसान पहुंचा पाए हैं। ग्रीन हल्क के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, इसीलिए अगर कभी ग्रीन हल्क इंजर्ड हो जाए या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट उसकी बॉडी से काट भी दिया जाए तो भी वो उसे फिर से रीजनरेट कर सकता है। वैसे ग्रीन हल्क का हीलिंग फैक्टर वुल्वरीन और डेडपूल जितना सुपीरियर तो नहीं है, पर फिर भी इसका हीलिंग फैक्टर काफी तेज है। इसके साथ ही ग्रीन हल्क का स्टेमिना भी बहुत ज्यादा है और अगर वो चाहे तो बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके या फिर बिना थके कई सालों तक भी फाइट कर सकता है। ग्रीन हल्क के पैरों के मसल्स भी बहुत दमदार है और इनकी मदद से ग्रीन हल्क बहुत लंबी जंप्स कर सकता है और बहुत दूर के फासलों को भी बड़ी जल्दी कवर कर सकता है। और अपनी इन्हीं पावर्स के दम पर ग्रीन हल्क दाथिंग को हरा चुका है, अपने बेटे स्कार को हरा चुका है, जगरनॉट को बहुत बुरी तरह से पीट चुका है और सेंट्री से फाइट करके उसे भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। तो यही सारी ग्रीन हल्क की पावर्स थी। अब ग्रीन हल्क की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए रेड हल्क की पावर्स की बात करते हैं। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ रेड हल्क। तो रेड हल्क मार्वल का एक पॉपुलर हल्क है जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 2008 में आई हल्क वॉल्यूम 3 इशू 1 के अंदर। रेड हल्क एक्चुअली में जनरल थंडरबोल्ट रॉस है जो कि सिर्फ इसीलिए हल्क बनता है ताकि वो ग्रीन हल्क को जान से मार सके। थंडरबोल्ट रॉस ग्रीन हल्क से बहुत नफरत करता है और हमेशा ही उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ऐसा करने में हर बार फेल हो जाता है तब अपने गुस्से के चलते वो मोडोक से हाथ मिला लेता है। मोडोक मार्वल का एक बहुत बड़ा विलन है जो कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस की हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद मोडोक गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज करके थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसे भी एक हल्क बना देता है जिसका कलर पूरी तरह से रेड होता है और फिर इसके बाद ही वो कहलाता है रेड हल्क। अब बात करें रेड हल्क की पावर्स की तो रेड हल्क की कुछ बेसिक पावर्स हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस स्पीड, एडवांस स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क की पावर्स भी ग्रीन हल्क से बहुत सिमिलर है और ये भी ग्रीन हल्क के बराबर ही स्ट्रेंथ होल्ड करता है। रेड हल्क का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एक बार थॉर से फाइट करके उसके हैमर को उठाकर उसी को पेल चुका है। और रेड हल्क
हल्क थॉर के हैमर को इसीलिए उठा पाता है क्योंकि वो थॉर से फाइट करने के लिए उसे स्पेस में ले जाता है, और स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से रेड हल्क थॉर के हैमर को यूज कर पाता है। रेड हल्क एक बार द वॉचर से भी लड़ चुका है और वो अपने सिर्फ एक ही पंच में वॉचर को स्पेस में फेंक चुका है। रेड हल्क के ऊपर एक बार शी हल्क, स्पाइडर वुमैन और बाकी के कई सारे सुपर हीरोज एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन ये रेड हल्क अकेले ही उन सबको हरा देता है। इनके अलावा जैसे ग्रीन हल्क ने सेंट्री को टक्कर दी है, ठीक वैसे ही रेड हल्क भी सेंट्री से फाइट कर चुका है और उसे ये भी बराबरी की टक्कर दे चुका है। और एक बार तो ये सिल्वर सर्फर की रेडिएशन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उसका सर्फ बोर्ड भी यूज कर चुका है। इन सब के अलावा रेड हल्क के पास एक और कमाल की एबिलिटी है, और वो ये कि रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है, जो कि ग्रीन हल्क नहीं कर सकता। और जिस तरह से ग्रीन हल्क लड़ते वक्त कभी नहीं थकता, वैसे ही रेड हल्क भी लड़ाई के दौरान कभी नहीं थकता है। तो ग्रीन हल्क और रेड हल्क दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और इन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, लेकिन रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क के कंपैरिजन में ज्यादा एबिलिटीज हैं। जैसे वो अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है और गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, पर इन सारी एबिलिटीज के साथ भी रेड हल्क ग्रीन हल्क को नहीं हरा सकता। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी बॉडी गर्म होती चली जाती है और उसका ब्लड भी उबलने लगता है, और ऐसा होने की वजह से रेड हल्क खुद की बॉडी को जला लेता है, जिसके बाद वो काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ग्रीन हल्क की बात करें तो जैसे जैसे ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ती जाती है और वो ज्यादा स्ट्रांग बनता जाता है। और इसीलिए अगर ग्रीन हल्क और रेड हल्क एक दूसरे से बैटल करते हैं तो उसमें भले ही रेड हल्क शुरुआत में ग्रीन हल्क पर भारी पड़े, लेकिन जैसे जैसे फाइट में ग्रीन हल्क का गुस्सा बढ़ेगा, वैसे वैसे वो रेड हल्क को उसकी औकात दिखाता जाएगा और आखिर में ग्रीन हल्क रेड हल्क से जीत जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर हम कॉमिक्स पर नजर डालें तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी जब ग्रीन हल्क और रेड हल्क की फाइट हुई है तब उसका रिजल्ट भी कुछ ऐसा ही निकला है, यानी कि पहले तो ग्रीन हल्क रेड हल्क से पिटाए और उसने रेड हल्क के गुस्से को बढ़ने दिया है ताकि रेड हल्क ज्यादा गुस्सा होकर खुद को ही जला ले और इवेंचुअली कमजोर पड़ जाए। और फिर जैसे ही रेड हल्क कमजोर पड़ता है उसके बाद ग्रीन हल्क रेड हल्क को पीट पीट कर डिफीट कर देता है और उस बैटल को जीत जाता है। तो इसीलिए अब वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो इन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हल्क रेड हल्क को वन ऑन वन बैटल के अंदर हरा सकता है, यानी कि ग्रीन हल्क विंस। तो यही ग्रीन हल्क और रेड हल्क के बीच एक बैटल कंपैरिजन वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। इसके अलावा जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि हमने वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को दबाकर या फिर हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप लोग इमोर्टल हल्क की कॉमिक सीरीज पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। इनके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमाल की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।